मुझे जो मेरे जीवन का अनुभव है मैं उसे थोड़ा सा यहाँ आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। हम लोगों में जो ये जाति की प्रथा शरण लोगों ने चला रखी है वह हमारा दमन करती रहती है और इसी की वजह से ही हम लोग आगे नहीं आ पाते हैं। मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है कि किसी को ये पता ना चले कि हम इस जाति के हैं और यही भावना हमारे बच्चों में भी है। मैं अपनी जाति की सभी महिलाओं का आह्वान करती हूँ कि इसका जो काम है वो उनके सर पर है, उनके कंधों पर है, क्योंकि महिला ही महिला की दुश्मन है। ये किसी ने कहा है, वे बिल्कुल सही कहा है। वो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहती और दूसरे को भी बढ़ना देना नहीं चाहती। अगर वो चाहे तो उन्हें खींचकर पीछे लाने की कोशिश करती। ये जो भावना है ये बहुत गलत भावना है। यहाँ जो समाज बैठा है वो पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन आप अपने गली मोहल्ले गांव उसमें जाकर देखिए वहाँ पर क्या हालत है। वहाँ पर बहुत बुरी हालत है। कोई भी इस बात आपकी बात को सुनने या समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो अभी भी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। आप अपने कहीं भी चले जाइए, मैंने बचपन से अपने दादाजी, अपने नाना जी, अपने फादर सबसे सुना। मैंने अम्बेडकर जी की पुस्तकों को पढ़ा और उसमें जो हमारी जाति के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था वो अत्याचार आज भी है। केवल दिल्ली शहर में नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि वो उस कानून से डरते थे कि यदि वो ऐसा करेंगे तो उन्हें सजा होगी और अब सरकार ने वो कानून भी खत्म कर दिया। इसलिए मैं आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आप सबसे यही अनुरोध है कि आप अपने अपने घर में, अपने आस पड़ोस, आपके घर में जितने भी महिलाएं हैं उनको सचेत कीजिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ने दें और आगे बढ़ाएं। और लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की के आगे बढ़ने से कम 2 घरों का विस्तार होता है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक लड़की जहाँ लड़की है वहाँ का भी और जहाँ वो शादी होकर जाएगी वहाँ का भी। तो 2 परिवार बढ़ते हैं, 2 से 4 कितने बढ़ जाएंगे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप अपने घरों में अपनी अपनी महिलाओं को ये सचेत कर दीजिए और उन्हें कहिए कि वो यदि आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी। हम लोगों में शिक्षा की बहुत कमी है, इसी वजह से ही चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो सब फायदा उठाते हैं। हर इंसान फायदा उठाता है। केवल पढ़ाई जो है, हमारे भीम जी ने कोई ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कि शिक्षा शिक्षित बनो, इसीलिए कहा था कि जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें जो है उनकी करतूतों का पता ही नहीं चलेगा कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं। इसलिए शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।